नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले इस फलदार पौधे से, जिसे यहाँ पर चुलू या चुली के नाम से जानते हैं। यह फैमिली रोजेशी का सदस्य है और साइंटिफिकली इसको पूर्णस आर्मेनिएका के नाम से जानते हैं, एप्रिकॉट। यह स्मॉल ट्री होता है, 8 से 12 मीटर तक ऊँचा होता है और डेंस होता है, स्प्रेडिंग कैनोपी होती है, इसकी लीव्स ओवेट होती हैं और राउंडेड शेप। ये पौधा फ्लावरिंग इस पौधे में मार्च अप्रैल में होती है और मई जून में इसमें फ्रूटिंग होती है। आप फ्रूटिंग देख सकते हैं इस तरह की, और सिमिलर टू स्मॉल पिच जैसे दिख रहा है ये। इसके अंदर एक सीड होता है और ये जो फ्रूट आपको दिख रहा है इसका, ये सकुलेंट फ्रूट होता है, फ्लैसी होता है। इसमें सिंगल सीड होता है और सीड जो होता है वो इनक्लोज होता है एक स्टोनी सेल से, जिसे सिंपली स्टोन बोलते हैं। और जब इसके फ्रूट्स को खाने के बाद सीड बच जाता है तो उस फ्रूट्स का जो उपयोग है मध्य हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक किया जाता है। और वो जो फ्रूट का सीड निकलता है वो बीटर और स्वीट टेस्ट वाला होता है और ढेर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और वह देखने में बिल्कुल बादाम जैसा दिखता है, आलमंड की तरह। और उसका जो ऑयल निकाला जाता है यहाँ पर, उसका उपयोग जॉइंट पेन, बॉडी एच और लोकल जो पीपल यहाँ पे हैं जो इसका तेल निकालते हैं, वो माइग्रेन में भी, सर दर्द जिसे अध कपारी बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मध्य हिमालय क्षेत्र का यह फलदार मीडियम साइज़ का ट्री प्रूनस आर्मेनिएका, जो कि मूल रूप से सेंट्रल एशिया का पौधा है, और आर्मेनिया का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये आर्मेनिया से संबंधित है। थैंक यू।